First Choice gets there. Ramadan special offer up to 40% discount ke saath. Ek latest collection mein Halima Sultan, Sharara Pompom, gown, wonderful suit, western outfit aur bhi behtar service. Premium quality, sabse sasta aur acha. Ramadan mein aapki favorite shopping ke choice sirf First Choice. लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश में एक तरफ जहां कोरोना से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले में देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश में इतनी बड़ी कोरोना महामारी फैली हुई है, जहां सरकार कोरोना से बचने के उपाय नियम लागू कर रही है, ऐसे में कुंभ मेले में इतनी बड़ी संख्या में साधु संतों का इकट्ठा होना, वो भी बिना मास्क के, और तो और सोशल डिस्टेंसिंग की तो इन लोगों ने फजीहत ही कर डाली है। एक तरह से कह सकते हैं कि कुंभ मेले में कोरोना बम फूट रहा है। कुंभ मेले में शाही स्नान में साधु संत लगे हुए हैं और 400 से भी ज्यादा कोरोना मरीज अब तक इस कुंभ मेले से मिल चुके हैं, जिसमें कई साधु संक्रमित भी हैं। हालांकि सरकार ने कुंभ मेले पर गाइडलाइन जारी की है और गाइडलाइन का क्या हुआ, खुलेआम इन गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई और नतीजा ये सामने आया कि इस कुंभ मेले से संक्रमित मिलना शुरू हो गए हैं। एक तरह से जब मंदिर मस्जिद सभी धर्मस्थल बंद किए गए हैं, ऐसे में कुंभ मेले का आयोजन वो भी कोरोना काल में जब ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इसी तरह से दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जमातियों को कोरोना बम कहा गया और कोरोना जिहादी कहा गया, हलक फाड़ फाड़ कर गोदी मीडिया चिल्ला रही थी। जमातियों को बदनाम करने की भरपूर कोशिश गोदी मीडिया ने की थी, मगर देश में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार इन जमातियों को गोदी मीडिया ने बताया था, मगर आज उन गोदी मीडिया की कुंभ मेले पर हलक सूख गई है। हम किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं है, मगर जब देश की स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में कुंभ मेले में कई राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं और ये कोरोना संक्रमित होकर जब अपने राज्य में लौटेंगे तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। ये तस्वीरें कुंभ मेले की है, जहां नियमों की ऐसी तैसी हो गई है, जहां सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है और उसी राज्य में कोरोना को कैसे रोका जाए, और उसी राज्य की ये तस्वीरें हैं हरिद्वार की, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। बताया जा रहा है कि शाही स्नान में करीब 32 लाख लोगों ने स्नान किया है और नतीजा ये सामने आया कि 400 से भी ज्यादा कोरोना मरीज इस कुंभ मेले में पाए गए। ऐसे में कुंभ मेले में खतरा बढ़ते हुए देख प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी टीम लगा दी है और जो बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग की जा रही। रविवार को हरिद्वार में 400 कोरोना मरीज कुंभ मेले से मिले थे और इसके बाद साधु संतों में भी हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है कि करीब 27,000 लोगों की टेस्टिंग की गई थी, जिसमें से अभी कई लोगों की टेस्टिंग रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें साधु संतों की भी रिपोर्ट है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर बड़ी संख्या में इस टेस्टिंग रिपोर्ट में संक्रमित मिले तो खतरा बहुत बढ़ सकता है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।